उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन। साथियों, उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन जो विश्व का सबसे बड़ा और भारत का सबसे बड़ा मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ है, उसी की एक रेलवे में ये भी शाखा है जो उत्तर रेलवे में उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन के नाम से जाना जाता है। मित्रों, भारत में जितने भी उद्योग है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, चीनी हो, एनटीपीसी हो, हर जगह भारतीय मजदूर संघ का जो मुट्ठी वाला निशान है वो काम करता है। मित्रों साथियों, मैं भी बिहार से आया था 2013 में, जब हेल्पर के पद पर कार्यरत था तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी दिया गया कि नए लोग हो, नए लोगों को कुछ काम करना होगा, नए लोगों के लिए भी कुछ करना होगा, इसलिए वहां मेरे को शाखा अध्यक्ष या अध्यक्ष शाखा का बनाया गया। साथियों, हमने क्या काम किया मैं आपको बताना चाहता हूँ। जगाधरी वर्कशॉप का छोटा भाई जालका वर्कशॉप है, मैंने जगाधरी वर्कशॉप के अंतर्गत अभी 70 साल नहीं था, करीब 2000 यात्रियों का, 2000 रेल कर्मचारियों का साइन कराकर वहां पर देने का काम किया श्री और रेल मंत्री को। साथियों, हमने जो सेठ पानी में छूटा था वर्कशॉप के अंतर्गत हमने उसे विशेष कराने का काम किया है, और नीति दशा और दिशा सुधारने का काम किया है। अपने जगाधरी वर्कशॉप के अंतर्गत जितना स्ट्रीट लाइट है सब एलईडी लाइट को बदलने का काम किया, और हमारे साथी वहां खड़ा होकर काम करवा रहे थे किस साइड लगता है, कहां लगता है, पूरे कॉलोनी के अंदर एलईडी लाइट की व्यवस्था करवाया। साथियों, हमने और क्या करवाया, हमने जगाधरी वर्कशॉप में जो लोग विदेश जाते हैं पासपोर्ट के लिए, भारत सरकार ने 50 किलोमीटर के अंतर्गत रखा था, हमारे यहाँ से जो आते थे यमुनानगर से लोग आके अम्बाला या चंडीगढ़ में बनाने का काम करते थे पासपोर्ट, अब वर्कशॉप के ठीक पास में जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ भारत सरकार से मिलकर विदेश मंत्री से मिलकर हम लोगों ने पासपोर्ट कार्यालय बनाने का काम किया। साथियों, एनपीएस की मांग है, हम लोग 2004 के बाद आए हैं, हमारे यहाँ बहुत साथी बैठे होंगे 2004 के बाद वाले जो एनपीएस में नहीं है। हम लोग अभी 17 नवंबर को दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम किए और भारत सरकार को ये बताने का काम किए कि एनपीएस नहीं तो आप भी नहीं, एनपीएस नहीं तो हमारा जीवन क्या होगा। मित्रों, हमने अभी कार्यक्रम का 18 तारीख को उसका पोस्टर यहाँ भी लगा हुआ है आपके यहाँ, रक्त सेगन, हमने वहाँ खून देने का काम किया बड़ौदा हाउस में। पूरे भारत में जितने मंडल मुख्यालय है वहां पर हमारे लोग भारतीय रेल मजदूर संघ के बैनर तले हम लोगों ने उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन जो जीएम दफ्तर है बड़ौदा हाउस में वहां पर ब्लड देने का काम किया और अपना आक्रोश व्यक्त किया कि मजदूर कितना कुंठित है, मजदूर कितना काम करने के बाद भी उसका भविष्य निश्चित नहीं है, हमें सेफ्टी शू नहीं दिया जाता, हमारे लिए सेफ्टी का कोई व्यवस्था नहीं है। मित्रों, हमारे फौजी साहब सब आए हैं, हमारे इस मांग पत्र में फौजियों के लिए भी है, फौजी साहब तो किस पद से वहां रिटायर आए हैं उनको हेल्पर में क्यों, उसको उसी बेसिक स्केल पर यहाँ भी रेल में लगाना चाहिए, हमने ये मांग भारत सरकार के सामने उठाने का काम किया। साथियों, हमारा क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। मित्रों, दो यूनियन जो अभी वर्तमान में जीता हुआ रेल के अंतर्गत क्या काम करता है मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ, और ये उदाहरण मैंने दिल्ली के अंदर भी बताने का काम किया। मित्रों, मैं 1 मई 2013 को रेल में लगा था, सोचने और समझने की बात है, मेरा जब मैं लगा था मुझे आपके पेंट शॉप में WR में लगाया गया, हमारे यहाँ के डिप्टी साहब हुआ करते थे, आपके यहाँ भी कालका में आए हुए थे संजय प्रदर्शी, उन्होंने हमें उठाकर कैरेज शॉप में उठाने का काम किया, कैरेज शॉप में लगाकर सीडब्ल्यूएम बिल्डिंग में लगाने का काम किया, आपके यहाँ भी ISO मार्का चलता है, ISO दफ्तर भी होगा जो वहां से जगाधरी वर्कशॉप से हैंडल होता है, मैं उस शॉप में काम करता था, CWM साहब पासवान जी थे उस समय, तो उनके साथ में एक मंकू जी बैठे हैं गोपनीय विभाग में, उन्होंने महिलाओं को ला कर हमारे ऑफिस में रखा, तो हमारे सर ने बोला देवशंकर जरा आंटी को पानी पिला दो, मैंने यूं करके पानी ले जाने का उनके पास काम किया, अचानक उनका हाथ में सड़ गया और वो जोर जोर से रोने लगी। क्या है दोनों यूनियन, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ किस प्रकार की समस्या रेल के अंतर्गत, ये बताना चाहता हूँ। वो रोने लगी, मैंने बोला आंटी जरा चुप हो जाइए रोइए मत, हमारे सर ने बोला जरा पर्दा ठीक कर देना देवशंकर, हमने पर्दा ठीक कर दिया, फिर हमारे जी साहब ने पूछा क्या हुआ मैडम बताइए, तो वो मैडम क्या बोलती है आपको सोचने और समझने की बात है, क्या बोलती है बार पर गौर कीजिएगा, वो मैडम जिसका पति मर गया था वो आई थी रेल में नौकरी करने के लिए, उन्होंने क्या कहा सुनिए और गौर कीजिए, उन्होंने बोला
बेटा हमसे यहाँ 1,00,000 रुपया मांगा जा रहा है या रात को सोने के लिए मांगा जा रहा है। सेम की बात है, रेल के अंतर्गत कौन कर रहा है? ये वही दोनों यूनियन है, वही विचारधारा के लोग हैं जो कर्मचारी को मारने के लिए है, उसकी बहू बेटी के साथ गलत हरकत करते हैं। ये जब मैंने सुना और जब मैं नया आया था, मेरे आंख से आंसू छलक गया, मैं बाथरूम में गया, दुकान खोलने का काम किया। उसके बाद मैं बोला आंटी चुप हो जाइए, हमारे सर ने बोला पासवान जी सीनम जो साहब अच्छे आदमी है, आप जाइए कुछ नहीं होगा। आज वो औरत वर्कशॉप में बिना एक पैसा दिए हुए लगी हुई है। हम लोगों को संघर्ष करना है, हम लोगों को विचारधारा को हटकाना है जो मजदूर के लिए कभी नहीं है। एक विचारधारा देश के लिए नहीं, वो कम्युनिस्ट विचारधारा है जो चीन की मानसिकता है। दूसरी विचारधारा को तो आपका सुनना में आता है जो कांग्रेस की विचारधारा है। ये दो विचारधारा से रेल को बचाना होगा। जब तक रेल को नहीं बचेगा हमारा कुछ नहीं होने वाला। NPS 2004 में किसने साइन किया? लोगों ने बताया, हम लोग आए थे तो हम लोगों को बताया गया ये बीजेपी की सरकार थी उसने साइन किया। अरे भैया बीजेपी की सरकार थी उसने साइन किया तो जो जीता हुआ यूनियन है उसने ही साइन उस पर किया था। सरकार मुश्किल आएगी, जब तक आप साइन नहीं करोगे आपका काम नहीं होगा। अभी हमारे वर्कशॉप में इंस्टीट्यूट का 6 रुपया काटा जा रहा था, आपके यहाँ भी कट रहा था क्या? आपके यहाँ भी कट रहा था, अब बंद हो गया। घटना में आपको सुनाता हूँ, नवंबर 2015 से इंस्टीट्यूट का पैसा काटा जा रहा था। हमारे साथी ने हमारे को साइन कर दिया, हम लोगों ने बोला साइन करो आप लोग, ये पैसा रेल के विरुद्ध है, कर्मचारी के विरुद्ध है। रेल रूल के अंतर्गत लिखा हुआ है 1 रुपया किसी से बिना पूछे कर्मचारी से नहीं काट सकता। मेरे नाम से मैंने चिट्ठी भिजवाया, करनाल कोर्ट है, भारत सरकार का लेबर कोर्ट है, देवशंकर सिंह कारखाना शाखा अध्यक्ष जगाधरी वर्कशॉप थ्रू चिट्ठी आया CWM को। मैंने CWM के ऊपर केस किया और मई 2018 से वो पैसा बंद हो गया। हमने बंद करवाने का काम किया, हमने बंद करवाने का काम किया। अरे माता की जय, अरे माता की जय। साथियों हमने बंद कराने का काम किया, नवंबर 2015 से वो 6 रुपया कट रहा था। करनाल कोर्ट में केस करने का काम किया और प्रशासन को झुकाने का काम किया। 5 टाइम से हम करनाल जाते थे कोर्ट में हाजिरी लगाने के लिए, यहाँ का प्रशासन और ऑफिसर भी जाता था, जगाधरी वर्कशॉप से जाता था। एक दिन सामने सामने LC साहब बैठे हुए थे, ऐसा LC साहब बैठे हुए थे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, उन्होंने कहा वहाँ के ऑफिसर जैसे मैं इधर हूँ कमिश्नर, आप दोनों बैठे हैं प्रशासन के एक यूनियन के। उन्होंने बोला कि यूनियन दोनों मिलकर चाहेगा, जो जीता हुआ यूनियन और प्रशासन चाहेगा मिलके कर्मचारी को रेल से बाहर निकाल दोगे 500 को? तो प्रशासन के लोगों ने बोला नहीं, रेल रूल के हिसाब से चलता है ना कि यूनियन के हिसाब से चलता है, इस बात को जानकारी होना चाहिए। वर्कशॉप आइएगा, हमने अच्छा रोड बनाने का वहाँ काम किया है। क्वार्टर का हालत दुर्दशा कितना है, सिर्फ पानी नहीं है मिलने को, हमने आवाज उठाया है इसके लिए भी। साथियों करना तो पड़ेगा हम ही को काम, रेल में हम करते हैं काम, हम ही को ना करना पड़ेगा, कोई बाहर से तो आके काम नहीं करेगा। भाई साहब अभी बता रहे थे कोई सुनने को तैयार नहीं है, क्यों सुनेगा आपको, क्यों सुनेगा? इलेक्शन आएगा, 2 पैक लगाएंगे लोग, उसको वोट देगा, उसका पैसा खर्च हुआ तो आपकी बात क्यों सुनेगा? बात सुनना चाहेगा तो लोग बताते हैं कि मिश्रा जी ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। आपने देखा होगा 11 जुलाई 2016 को क्या हो रहा था, रेल का चक्का जाम हुआ क्या? नहीं हुआ। ये घटना मैं आपको अपने शॉप का बताता हूँ हुआ क्या। मैंने 9 तारीख को उसके सिगरेट दी है, NRMU के मैंने उनको मैसेज किया कि आप लोग भारत बंद नहीं कर सकोगे, तो वो दूसरे दिन मेरे ऑफिस में आए और करीब उनके साथ लोग थे, मैं बैठा हुआ था, पंखा बड़ी सी पंखा लगा हुआ हमारे वर्कशॉप में। ये घटना आपको मानसिकता में इसलिए दे रहे हैं क्योंकि राजस्थान हरियाणा के लोग यहाँ हैं, मैं उनको मानसिकता में इसलिए दे रहा हूँ उनके माइंड में सोचिए क्या होता है रेल के अंदर। मैं बैठा हुआ था, वो आए देवशंकर को मैसेज कर करना मेरे को, देवशंकर मेरे को तू मैसेज नहीं करना, हमने क्या हो गया अंतर, हमने पूछा क्या हो गया अंकल, तो भारत बंद हम लोग कराने जा रहे हैं और तुम इसका विरोध कर रहे हो। हम बोले जब तक ये मुट्ठी वाला निशान ना चाहेगा भारत और रेल चक्का जाम नहीं होगा। हुआ भी ऐसा, उन्होंने बोला मैसेज नहीं करने के लिए, मैंने बोला कि मैसेज नहीं करूंगा आपको, फिर उन्होंने बोला कि आप लोग हमारे साथ नहीं, उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन हमारे साथ नहीं। अरे भैया आप 1984 में भी भागने का काम किए, आज भी भागने का काम कर रहे हो। हमने बोला आप लाओ सादा कागज, अगर भारत
11 जुलाई को बंद करा दिया रेल का चक्का जाम। सादा कागज पर मैं CWM को आपको भी लिख के देता हूँ, मैं रेल छोड़ने को तैयार हूँ, मैं रेल छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन आपके ये औकात नहीं है। आप सिर्फ मजदूर को लूटने और बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। एनपीएस क्या हुआ 2004 से 9-14-19 आने वाला, हमने लड़ाई लड़े हैं, हम सरकार और प्रशासन को गिरा कर रखे हैं एनपीएस को समाप्त करने के लिए। एनपीएस में जो है हमारे आने वाला दिन क्या होगा, कभी सोचने का विचार किए हैं? आपने 2004 में नहीं किया, 2009 में नहीं किया, 8 में नहीं किया, भैया 14-15-18 साल हो रहा है, क्या करना चाहते हो? तो झूठ मूठ का आज धरना देंगे 3 दिन का, कल दिल्ली में भूख हड़ताल करेंगे, परसों चक्का जाम, कुछ नहीं होने वाला। सूटकेस मिलता है, अपने बेटी रिश्तेदार को नौकरी लगाते हैं। सेफ्टी सू की क्या हालत है, कितने लोगों को यहाँ हेलमेट मिलता है कभी आपने देखा है? रेल कर्मचारी का रिजर्वेशन कराने के लिए सीट उपलब्ध नहीं होता है, कभी सोचे हैं आपने रेल कर्मचारियों के बारे में? आजादी के 70 साल के बाद भी कर्मचारी को घुटन महसूस हो रहा है कि हम रेल के अंतर्गत है। अरे भैया जिस प्रकार फौजी साहब आए हैं फौज से और रेल में नौकरी कर रहे हैं, ये भी देश का काम करते हैं, हम भी तो देश का काम करते हैं। इनका बंदूक हथियार हम अगर रेलगाड़ी से नहीं पहुंचाएंगे तो कौन पहुंचाएगा? फौजी साहब कोई कर्नाटक और केरल और बिहार से आते हैं, बॉर्डर पर कौन पहुंचाएगा इसे? हम ना पहुंचाएंगे, रेलगाड़ी अच्छा बनाएंगे तब ना उनको भी समझ में आता हम लोगों के लिए। इसलिए हमारी विचारधारा राष्ट्र की विचारधारा है, हमारी विचारधारा उद्योग की विचारधारा है, हमारी विचारधारा रेल और कर्मचारी हित के लिए विचारधारा है। आपने पोस्टर पर भी देखा होगा, हमारा पोस्टर पर हर बार एक चीज लिखा रहता है, राष्ट्र हित, हमारे लिए देश महत्वपूर्ण है, हमारे लिए दूसरा ऑप्शन है आपका उद्योग, हमारे लिए उद्योग महत्वपूर्ण है, उद्योग रहेगा तब ना हम वहां जाके काम करेंगे, और तीसरा है कर्मचारी, अगर कर्मचारी सुखी रहेगा तो उद्योग भी सुखी रहेगा और भारत भी सुखी रहेगा। इसलिए हम लोग को सबको मिलकर राष्ट्र के लिए और देश के लिए सोचना है। हम कालका मंडल में आज पहली बार आए हैं, इसके पहले भी रिटायरमेंट पार्टी में 2 बार आ चुके हैं, हमें अच्छा लगा यहाँ के सारे लोग हैं, और हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे वर्कशॉप से भी बहुत लोग यहाँ आए, और जो लोग यहाँ से उधर जाते हैं कभी मिलते हैं, हम जगह वर्कशॉप में पूछता हूँ कि कहाँ से आए हो, और कालका वर्कशॉप बोलता है तो मेरे को खुशी होता है कि मेरा छोटा भाई कम से कम आया यहाँ, मैं इसको चाय पानी भी पूछता हूँ। इसलिए साथियों आने वाला दिन जो 2019 में चुनाव होगा, इकट्ठा होकर चुनाव लड़िए और जिताइए। मजदूर हित के लिए हम काम करने के लिए हैं, राष्ट्र हित के लिए हम काम करने के लिए हैं, उद्योग हित के लिए हम काम करने के लिए। आपका जो समस्या होगा हम जरूर यहाँ से लेकर CWM से लेकर GM से लेकर रेल मंत्री तक पहुँचाने का काम करेंगे। आप लोगों का आशीर्वाद और उनका मिलना चाहिए, और जो हमारे साथ के सहपाठी उनका सहयोग भी हमें मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।